एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन से बहुत ही अलग होता है, क्योंकि उसमें हम खुद से किसी फंक्शन का नाम खुद से रखते हैं, खुद से क्रिएट करते हैं और उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स खुद से एंटर करते हैं। आज हम देखेंगे इसमें कि फंक्शन हम क्रिएट कैसे करेंगे, उसे कॉल कहाँ से कराएंगे और उसके अंदर में जो पैरामीटर्स लेंगे उसका यूज कैसे करेंगे। हेलो यूट्यूब लर्नर्स, दिस इज कुशल साहू एंड यू आर हियर टू नो अबाउट यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो बिफोर दैट, अगर आपको ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन का मेन पॉइंट चाहिए तो इस वीडियो के इस पॉइंट पर जा सकते हो, और अगर आपको पूरा बेसिक से नॉलेज चाहिए तो कंटिन्यू कर सकते हो। मेन जो इसका फंक्शन है, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये हैं कि अगर आपको किसी फंक्शन के अंदर में, किसी प्रोग्राम के अंदर में, सॉरी, किसी प्रोग्राम के अंदर में अगर आपको फंक्शन का यूज करना है तो आप बहुत वेरियस इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे आपको सबसे पहले जो फंक्शन है उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, उसको प्रोटोटाइप करना होता है, उसके बाद उसको आप कहीं पर किसी मेन फंक्शन के अंदर से कॉल कराते हो। कैसे कराते हो, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आपको देखना होता है कि फंक्शन नेम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट प्ले करता है, क्योंकि फंक्शन नेम से ही हम लोग किसी फंक्शन का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम मेन फंक्शन के अंदर में, ये है वॉइड मेन, वॉइड मेन के फंक्शन के अंदर में अगर हम के नाम का कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और उसे कॉल कराते हैं तो ये के नेम यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सेम नेम ऑफ फंक्शन को ये कॉल कराएगा इस मेन फंक्शन के बाहर में अगर वो रहे तो भी। ओके, इसीलिए ये के जो है नेम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद जो आता है सेकेंड, यहाँ पर रिटर्न टाइप, उस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वर्ड है, इंट है, कैर है, वो भी यहाँ पर डिपेंड करता है। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका पैरामीटर्स क्या करते हैं कि किसी भी फंक्शन के अंदर में जो लिखे हुए रहते हैं उसके अंदर में वैल्यूज़ को आप पास कराते हो तो उस वैल्यू का जो, यहाँ पर अगर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो अगला फंक्शन के अंदर में भी वो 3 और 2 चला जाता है। अगर यहाँ पर किसी वेरिएबल का नाम चेंज हो रहा है और उस फंक्शन में भी वो वेरिएबल इंक्लूडेड नहीं है तो भी जो पैरामीटर्स हैं जो यहाँ पर से आप भेज रहे हो वो एग्जैक्ट सही जगह पर पहुँच जाएगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर मैंने क्रिएट किया वर्ड मेन के अंदर में एक फंक्शन पी, ठीक है। इस फंक्शन का अंदर में मैंने कुछ लिया इंट के इक्वस टू 5, इंट सी इक्वस टू 2, ये फंक्शन के अंदर में हमने लिया और इसे यहाँ से कॉल कराते हैं, ठीक है। इंट को आप, इंट के इक्वस टू 5 को भी आप बाहर से भी डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ पर इंट के इक्वस टू 5 यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हो और इसे भी आप बाहर में डिक्लेयर कर सकते हो इंट सी इक्वस टू 2, और इसके अंदर में भी आप डिक्लेयर कर सकते हो के और सी। ओके, के आर सी आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया, इसको आपने यहाँ पर कॉल कराया। ये जो है यहाँ पर सेमी कॉलन, इस सेमी कॉलन से आप क्या करते हो, कॉल कराते हो। यही है हमारा मेन कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। अब ये कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन हो गया। अब देखिए, कॉलिंग तो हमने यहाँ पर कर दिया, लेकिन उस कॉलिंग का जो होगा एक्चुअल वर्क कहाँ पर होगा, तो एक्चुअल वर्क करने के लिए हमें सेम नेम ऑफ फंक्शन चाहिए पी। उसके अंदर में हम लोग कुछ रिटर्न टाइप लिखते हैं, इसे वॉइड भी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। वॉइड पी रिटर्न टाइप नहीं है, वॉइड है, नल है। तो वॉइड पी यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया। ओके, वॉइड पी, उसके अंदर में एक्स और वाई लिया हमने। उस एक्स और वाई को हम लोग यहाँ पर करते हैं इंट ए इक्वस टू 0 और ए इक्वस टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर हमने कुछ प्रोग्राम लिखा और ये जो है, ये जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है, ये है मेन फंक्शन। इसी में वर्क होता है,
यही है डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, कॉलिंग ऑफ फंक्शन, यह है डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमने इसे कॉल कराया इस सेमी कॉलन से, और जब कॉल हमने यहाँ पर कराया तो इससे के का वैल्यू जो है 5 और सी का वैल्यू यहाँ पर 2, यहाँ से इस पैरामीटर में यहाँ से यहाँ पर ये जंप कराया, 5 एक्स का वैल्यू भी 5 हो जाएगा और वाई का वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि सी का वैल्यू 2 था, एक्स के का वैल्यू 5 था, इसीलिए, क्योंकि सेम नेम ऑफ फंक्शन है पी, तो इसलिए यहाँ पर जा करके वो अंदर में इतना वैल्यूज़ आ गए। यहाँ पर एक और बात ध्यान में देना है कि अगर आपको यहाँ पर सी देखना है, सी मतलब कि सी अगर यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, सिर्फ सी यहाँ पर पास कराया हुआ है, सी का वैल्यू कुछ दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर आप कुछ पहले से अगर वैसा दिया हुआ है तो वाई इक्वल्स टू 2 यहाँ पर अगर डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये डिफ़ॉल्ट के थ्रू में यहाँ पर अगर सी है और यहाँ वाई इक्वल्स टू 2 है, तो सी का वैल्यू को नहीं लेगा और वाई का वैल्यू 2 ले लेगा, क्योंकि सी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ नहीं है। अगर यहीं पर ये सी का वैल्यू 2 दिया हुआ रहता तो ये 2 को नहीं लेता, इस 2 को लेता, मान लीजिए ये 3 है तो ये 2 नहीं लेता और 3 लेता, तो यहाँ पर क्या होता कि ए इक्वल्स टू 5 प्लस 2 7, तो ए का वैल्यू यहाँ पर 7 ये जो है अपने अंदर में स्टोर कर लेता है। अब यहाँ पर जो है किसी भी प्रोटोटाइपिंग ऑफ अ फंक्शन, यहाँ पर देखते हैं फंक्शन का प्रोटोटाइपिंग आप कैसे करोगे। तो मेन फंक्शन जब स्टार्ट करते हो उसके पहले ही आपको करना होगा इंट पी सी इक्वल टू 2 डी इक्वल टू 3, ये जो है स्टेटमेंट, ये है प्रोटोटाइपिंग ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन हमने पी ऐसा प्रोटोटाइपिंग में हम ऐसे लिखते हैं, एक फंक्शन का नाम, उसका नाम से पहले हम लोग उसका जो है रिटर्न टाइप लिखते हैं, उसके बाद उसके अंदर में हम लोग पैरामीटर्स लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन, इस प्रोग्राम के अंदर में हम लोग पी का यूज करेंगे एक ऐसा फंक्शन के रूप में जिसमें सी और डी हम लोग ऐसे पैरामीटर्स ले सकते हैं। अगर यहाँ पर सी और ये दोनों यहाँ पर नहीं लिया हुआ होता तो ये जो है ग्लोबल वैल्यू यहाँ पर आ जाता। ओके, ये है मेन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। इसी में आपको दो तरह से देखना पड़ जाएगा, एक कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। जो यहाँ पर जब कॉलिंग कराते हो आप, तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दो तरह से आप इसको कॉल करा सकते हो। कैसे कराओगे यहाँ पर देखते हैं। कॉल बाई वैल्यू मतलब कि जो सेम है, ये एज इट इज जो हमने अभी प्रोग्राम किया वही है। कोई फंक्शन का नाम लेते हो, उसके अंदर में एक्स और वाई ऐसे कुछ जो है कॉल कराते हो, इससे कॉल कराते हो, ये फंक्शन का नाम है, नेम ये है, पैरामीटर्स कॉल बाई वैल्यू। ये क्या है, एक कॉलिंग का ये स्टेटमेंट है जिसके अंदर में आप इससे कॉल कराते हो, और ये है इस फंक्शन का नाम और ये अंदर का पैरामीटर्स। ये इंट एक्स इक्वल्स टू समथिंग और वाई इक्वल्स टू समथिंग कहीं पर भी डिक्लेयर किया हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। इसमें जो है एग्जैक्ट वैल्यू जो हमने पिछले एग्जांपल्स में देखा उसी तरह से ये पास कराएगा। कॉल बाय रेफरेंस, रेफरेंस में क्या होगा कि पी आप लोगे आर एम परसेंट के आर एम परसेंट पी एल। ओके, एम परसेंट का यूज यहाँ पर करोगे और इसे कॉल कराओगे। ये यहाँ पर भी कॉल हो गया, ये यहाँ पर नेम हो गया, और ये जो है यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस को शो करता है। इसका मैं आपको एक वीडियो दिखा दूंगा, के और एल इन दोनों से आपको शो कराता है कि कॉल बाय वैल्यू है कॉल बाय रेफरेंस। अगर एम परसेंट नहीं दिया हुआ है तो ये कॉल बाय वैल्यू है, एम परसेंट दिया हुआ है तो कॉल बाय रेफरेंस है। इसका मतलब क्या है, एंड कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस क्या। ओके, लेट मी टेल यू अबाउट दैट। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है,
एड्रेस को कैरी करता है। यहाँ पर हमने अगर कोई फंक्शन डिक्लेयर किया और उसके अंदर में एम परसेंट के और एम परसेंट वाई ले लिया, तो ये के है और ये वाई है, इस के का एड्रेस को और इस वाई का एड्रेस को, एड्रेस कुछ भी हो सकता है, एक्स टू थ्री टू के टू ऐसे करके कुछ थ्री समथिंग कुछ भी हो सकता है, ये ऐसा एक एड्रेस होता है, सारे स्टोरेज जो होते हैं उसके अंदर में एड्रेस होते हैं। तो के का जो वैल्यू है, के का जो एड्रेस है, उस एड्रेस को लेकर के फंक्शन के दूसरे फंक्शन के पास जाएगा। सेम नेम ऑफ फंक्शन पी हमने लिया हुआ था, तो पी नाम का कोई फंक्शन है उसके अंदर में ए और बी लिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर करते हैं ये कॉल बाय रेफरेंस, तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा कि के का जो है एड्रेस को और वाई का जो है एड्रेस को यहाँ पर भेज देगा, एड्रेस को भेजेगा, और एड्रेस को भेजने के बाद में आपको वो शो कराएगा कि एड्रेस के थ्रू में आप यहाँ पर पॉइंटर का यूज करते हो, पॉइंटर भी मतलब होता है पॉइंटर, पॉइंटर स्टार लगा करके कोई भी वेरिएबल का नाम आप अगर लिखते हो तो वो हो जाता है पॉइंटर। यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई, यहाँ पर जेड, कुछ भी जो भी है पॉइंटर को लिखने के लिए आपको स्टार लगा करके उस वेरिएबल का नाम लिखना होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसका जो है ये कभी भी आप पॉइंटर को जब डिक्लेयर करते हो तो मेन फंक्शन के बाहर में आप करते हो, वॉइड मेन, वॉइड मेन जो है ये फंक्शन के बाहर में आप पॉइंटर स्ट्रिक पी करके आप कुछ भी स्ट्रिक जो भी है वो आप डिक्लेयर करते हो, पी के जगह में आप कुछ भी लिख सकते हो, इसलिए मैंने जो भी अच्छा पी के जगह में एक्स लिया। ओके, तो इस पॉइंटर को आप यहाँ पर डिक्लेयर करते हो, इसका मतलब ये है कि ये थ्रू आउट द प्रोग्राम कोई भी वैल्यू अपने अंदर में, कोई भी एड्रेस को अपने अंदर में ये कैरी कर सकता है। ये है पॉइंटर का मेन काम। बाकी वेरिएबल्स क्या करते हैं कि वैल्यूज़ को कैरी करते हैं और वो चेंज नहीं होते हैं, लेकिन पॉइंटर्स क्या करते हैं, पॉइंटर्स हर जगह हमें अपने एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। ये है पॉइंटर। ओके, अब ये एग्जांपल आप देख लीजिए, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कॉल बाय वैल्यू क्या है, कॉल बाय रेफरेंस क्या है। सॉरी, तो ये है ट्यूटोरियल कॉल बाय रेफरेंस या फिर पास बाय रेफरेंस का, जिसमें हम iStream.h और Kunio.h जो हम लोग एज यूजुअल लेते हैं, हेडर फाइल यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। void main से हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। int x और y यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, x एक अलग वेरिएबल है और y एक अलग वेरिएबल है, जिसमें हम लोग इंटर करेंगे दो नंबर, x सबसे पहले इंटर होगा, y उसके बाद में इंटर होगा। यहाँ पर स्वैप m परसेंट x और m परसेंट y, ये है मेन कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस का ये मेन एग्जांपल यहीं पर आता है, ये मेन जो लाइन है ये कॉल बाय रेफरेंस को शो करता है। m परसेंट मतलब कि वो x का जो है एड्रेस उसको कंटेन करेगा, उसको अपने अंदर लेगा, और स्वैप नाम का जहाँ पर भी दूसरा फंक्शन दिखेगा उस पर वो जो एड्रेस है उसे भेज देगा। जैसे int a, int a मतलब यहाँ पॉइंटर टाइप है, ये जो स्ट्रिक लगा हुआ है ये पॉइंटर टाइप को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंटर टाइप में क्या होता है कि दूसरों का एड्रेस को लेने की जो कैपेबिलिटी होती है ये पॉइंटर टाइप्स वेरिएबल के अंदर में होती है। तो m परसेंट x का जो एड्रेस है और m परसेंट y का जो एड्रेस है वो इसके अंदर में आ जाएगा, मतलब a के अंदर में अब x का वैल्यू, x का जो एड्रेस है वो आ गया, और b के अंदर में x का वैल्यू और एड्रेस आ गया। अब यहाँ पर int temp equals a, temp एक अलग यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर में हम लोग a का वैल्यूज़ को, ए का जो वैल्यू है उसे हम इसके अंदर में डाल रहे हैं। अगर यहाँ लिखा हुआ होता m परसेंट a तो हम लोग temp के अंदर में उसका एड्रेस को यहाँ पर भेजते, फिर temp के जो अंदर में है उसके अंदर आ गया है a का वैल्यू, मतलब जो आप इंटर करेंगे सबसे फर्स्ट में उसका यहाँ पर वैल्यू आ गया। अब a के अंदर में तो वो हो गया empty, उसके अंदर में हम लोग b का वैल्यू डालते हैं, b का जो वैल्यू है वो a में आ गया, और अब b के अंदर में हम लोग temp का वैल्यू डालेंगे, मतलब कि ये स्वैप हो गया, एम्प्टी नहीं हुआ होगा मगर वो कुछ वैल्यू कंटेन करता होगा, उसके अंदर में हम लोग ये वेरिएबल, ये वैल्यूज़ को वहाँ पर स्वैप कर दिए हैं, मतलब a का वैल्यू b में चला गया, b का वैल्यू a में आ गया। अब इसे हम रन करके यहाँ पर देखते हैं, चलिए रन करके देखते हैं। इंटर टू नंबर, यहाँ पर दो नंबर हमको इंटर करना है,
यहाँ मैंने 3 इंटर किया, एंटर प्रेस किया, उसके बाद 5 एंटर किया। अब देखिए आफ्टर स्वैपिंग इनसाइड मेन, मेन फंक्शन के स्टार्ट इनसाइड में एक्स का जो वैल्यू है वो 5 आ गया, वाई का जो वैल्यू है वो 3 आ गया। ये है मेन पॉइंटर का, सॉरी स्वैपिंग करने का कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू। अगर हम इसमें ए और बी को एक्स और वाई से भी रिप्लेस कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर दिया है ए और बी को एक्स और वाई से। इसे भी हम रन करा करके देखते हैं, कंट्रोल प्लस F9 आप दबा करके रन करा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको शो करने के लिए सेट करता हूँ। देखिए यहाँ पर भी एरर 0 आ गया और ये प्रोग्राम रन कर चुका है। यहाँ पर हम फिर से लेते हैं 7 और 9, यहाँ पर एक्स हो जाएगा फिर से 9 और वाई हो जाएगा 7। ये है मेन कॉल बाय रेफरेंस का एग्ज़ाम्पल जिसमें हम एम परसेंट का यूज करते हैं। बिफोर आई कम टू द समरी और द रिव्यू ऑफ टूडेज टॉपिक द यूजर डिफाइंड फंक्शन, लेट मी आस्क यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट। ओके, सो द समरी गोज लाइक दिस। यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर में हम लोग कुछ फंक्शंस को खुद से डिक्लेयर करते हैं, खुद से बनाते हैं। उसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, एक मेन वर्ड मेन के अंदर में एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और उस फंक्शन को कॉल कराते हैं। जब फंक्शन को कॉल कराते हैं, ये मेन फंक्शन के अंदर में हम फंक्शन को कॉल कराते हैं, तो उस कॉल कराने के साथ ही वो दूसरे फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लेता है इसी नाम का, अलग मेन फंक्शन के बाहर में जो क्रिएट हुआ होता है उसको ये कॉल करा लेता है। उसके अंदर में यहाँ से जो पैरामीटर हम लोग भेजते हैं वही पैरामीटर का यूज यहाँ पर करके वो डिक्लेरेशन करता है, वो यहाँ पर सब कुछ को सॉल्व करता है और जो वैल्यू होता है उसको वहाँ पर वापस भेज देता है। और जब यहाँ पर प्रिंट करना होगा सी आउट, तो यहाँ पर प्रिंट कर देगा, यहाँ पर सी आउट रहेगा, यहाँ भी प्रिंट कर देगा, तो ये यहाँ पर भेजता है वापस। और इसके बाद गेट सीएच में प्रोग्राम ख़त्म होता है। और प्रोटोटाइपिंग या आप किसी भी फंक्शन में कैसे करते हो, मेन फंक्शन के बाहर में, मेन मेन फंक्शन के सबसे पहले, मेन फंक्शन के ऊपर में आप क्या करते हो, इसमें लिखते हो इस पॉइंटर का नाम, सॉरी ये फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम पी। उसके अंदर में आप जो भी पैरामीटर्स आप लिखना चाहते हो ए बी सी डी, उसके बाहर में हम यहाँ पर लिखते हैं उसका रिटर्न टाइप। जब रिटर्न टाइप लिखते हो, इसको यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ आपको सेमीकोलन देना है, कॉलिंग के टाइम आपको सेमीकोलन देना है, लेकिन जब आप प्रोग्राम के अंदर में फंक्शन, प्रोग्राम के बाहर में आप फंक्शन अगर कोई है उसको अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो वो फंक्शन में हम लोग सेमीकोलन नहीं देखते हैं, सेमीकोलन यहाँ नहीं रहता है। ये हो गया मेन इसका बात। अब कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में वैल्यू, हम लोग कॉल बाय वैल्यू में सिर्फ वैल्यू पास करते हैं और कॉल बाय रेफरेंस में हम लोग उसका एड्रेस पास करते हैं। लेकिन एड्रेस को पास करने के लिए, एड्रेस को वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग पॉइंटर का यूज करते हैं, जिसको हम लोग एस्ट्रिक के साथ में हम लोग यहाँ पर शो करते हैं। ये है हमारा पॉइंटर जो एड्रेस भी चेंज कर सकता है, ये वेरिएबल होता है एड्रेस के रिस्पेक्ट में। तो यही था आज का ये टॉपिक, यूजर डिफाइंड फंक्शन, दैट्स इट। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Goodbye.